पढ़ने की रोजगार की तैयारियों के बारे में विस्तृत चर्चा की। भाषा और गणित के सावधिक आकलन को भी समझाया। सर द्वारा पढ़ने की जागरूकता बढ़ाने में आरंभिक पठन की आई बाहर चला पढ़ने चली कराई गई। एक अध्यापिका द्वारा बहुत ही रोमांचक तरीके से संख्या पहचान गतिविधि भी कराई गई। गणित में ARAC ELPS पद्धति के विषय में बताया गया। शिक्षकों के अलग अलग समूह सभी समूहों में चार्ट के माध्यम से अपने अपने बिंदुओं का प्रस्तुतिकरण भी किया। प्रशिक्षण पुनः प्रारंभ हुआ। सर ने सेतु योजना के विषय में बताते हुए निपुण भारत की उच्च लक्षित दक्षताओं के विषय में भी बताया। मानक व अमानक इकाई द्वारा कक्षा शिक्षण पर भी चर्चा की। शाम 4 बजे से 4:15 तक टी टाइम के पश्चात प्रशिक्षण पुनः प्रारंभ हुआ, जिसके दौरान प्रशिक्षुओं को गणित की दैनिक शिक्षण योजना व ट्रैकर भरने की विस्तृत जानकारी दी गई। सभी शिक्षक प्रशिक्षुओं ने पूर्ण रुचि के साथ तृतीय दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त किया एवं 5 बजे प्रशिक्षण समाप्त हुआ। धन्यवाद। प्रार्थना से किया जाए, जिसे संध्या पांडी साहब के झटका प्राथमिक विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद प्रेरणा दी जाएगा तदुपरांत श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी जैसे द्वारा प्रशिक्षण की जानकारी ली गई। शिक्षकों से प्रशिक्षण कैसे चल रहा है, संदर्भ दाता द्वारा जो बताया जा रहा है उसको समझ पा रहे हैं नहीं, कहाँ तक कैसे क्या है, प्रत्येक मरीज का फीडबैक आप जानकारी के द्वारा दी गई और संदर्भदाता श्री राजेंद्र जी की सराहना की गई कि सभी लोग चाय और बिस्कुट का आनंद लेते हुए प्रशिक्षण में संदर्भदाता श्री राजेंद्र जी द्वारा रिकॉर्डिंग के व्यवस्थित चरण से शुरुआत की गई, जिसमें वर्ण पहचान, ध्वनि जागरूकता, अक्षर ज्ञान, ब्लेंडिंग, सरल वाक्य पढ़ने का अभ्यास आदि बताया गया। इस पठन पर चर्चा कीजिए, जैसे पठन के मूल, पठन के दौरान, पठन के पश्चात, बंद शोर वाले प्रश्न, खुले शोर वाले प्रश्न पर चर्चा हुई। उसके बाद सावधिक आकलन ट्रैकर, वार्षिक आकलन ट्रैकर तथा गणित के प्रश्न पर चर्चा की गई। उसके बाद श्री